खबरी टीवी के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम जानते हैं कि बॉलीवुड के मारूफ अदाकार इरफान ख़ान जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन ये बात हकीकत है कि इरफान ख़ान अपनी नाकाबले यकीन अदाकारी से एक अरसाए दराज तक अपने परस्तारों के दिलों और दिमाग में छाए रहेंगे। आज इरफान ख़ान को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इरफान ख़ान की मूवीज़ के कुछ ऐसे नाकाबले फरामोश सीन आपको दिखाने जा रहे हैं कि आपको भी यकीन आ जाएगा कि इरफान ख़ान एक नाकाबले फरामोश फनकार हैं। तो आइए बढ़ते हैं इरफान ख़ान की फ़िल्मी दुनिया के उन लम्हात की जानिब, उन जुमलों की जानिब, उन मुकालमों की जानिब जिन्हें सुन के, जिन्हें देख के थिएटर तालियों के शोर से गूंज उठा था। तो सबसे पहले हैदर मूवी का एक बहुत ही खूबसूरत सीन, जब इरफान ख़ान हैदर फिल्म में इंटर होते हैं तो उस वक्त कहा जाता है कि थिएटर तालियों के शोर से गूंज उठा था। और उसके बाद अगला नाकाबले फरामोश लम्हा आपको दिखाते हैं। चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो। इरफान खान का एक ऐसा मकालमा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यकसा मकबूल हुआ। पान सिंह एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बायोग्राफी मूवी थी, जिसमें ये खूबसूरत सा डायलॉग इरफान खान ने अदा किया था। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। और उसके बाद अगला नाकाबले फरामोश लम्हा आपको दिखाते हैं। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो? पिस्तौल की गोली और लौंडिया की बोली जब चलती है तो जान दोनों में ही खतरे में होती है। सबका एक ही तकिया कलाम है, हजार के नोट पे बापू को सलाम है। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। और उसके बाद अगला नाकाबले फरामोश लम्हा आपको दिखाते हैं। और भला द किलर मूवी के टीवी के नाज़रीन, ये थी आज की हमारी छोटी सी काविश इरफान ख़ान को ट्रिब्यूट पेश करने की। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खबरी टीवी से इजाज़त दीजिए इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे, मगर इस यकीन के साथ कि मुझे भूल ना पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।